चेते बृहद ब्रह्म संहिता में ये लिखा हुआ है, षडक्षरम महामंत्रम तारकम ब्रह्म उच्यते। और गोप्यम, ये अत्यंत गोप्य है, इसको सबको देना नहीं चाहिए। महाराज जी यहाँ तक लिखा है, समस्या यही है, आज हम लोग बहुत जल्दी मंत्रोपदेश कर देते हैं, इसी के कारण उसकी महिमा घट जाती है। भोले शंकर जी लिखा है, दद्यात् राज्यम दद्यात् स्त्रियम दद्यात् पुत्रम दद्यात् धनादिकम मस्तकम तु सुखम दद्यान् न च दद्यात् षडक्षरम। लिखा है, राज्य मांगे तो राज्य दे दो, स्त्री मांगे स्त्री दे दो, पत्नी भी दे दो, कोई देगा नहीं देगा पर मांगे तो दे दो। एक ही बेटा हो, मांगे तो बेटा को भी दे दो, तुम्हारे सारे धन को मांगे तो सारे धन को भी दे दो, मस्तक मांगे तो मस्तक को भी दे दो, किंतु अनधिकारी को षडक्षर मंत्र राज मत दो। विकलता होनी चाहिए भजन की। संपूर्ण मंत्रों का राजा जब तुम्हें प्राप्त हो गया है तो तुम्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ दे दो पर मंत्र। हमारे पुराने महात्माओं में बहुत ध्यान से सुने, हमारे पूज्य गुरुदेव तो बड़े दयालु थे, श्री पहाड़ी बाबा महाराज भी और श्री भक्तमाली जी महाराज। महाराज जी तो कहते, भैया राम जी जाने जो जीव चाहे सबको षडक्षर दो, महाराज जी कहते। पर कई महापुरुष ऐसे भी जो षडक्षर नहीं देते, अष्टाक्षर दे देते, श्री कृष्ण शरणम श्री राम शरणम दे देते, राम मंत्र नहीं देते, षडक्षर मंत्र आज सबको नहीं देते। बहुत से महात्मा लोग ऐसे होते नहीं देते। कब दोगे? बोले ऐसे नहीं, सब दुनियादारी में आग लगा के आओ, सब छोड़ के आओ, फिर कुछ दिन आश्रम में गैयान को गोबर उठाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, सेवा करो, फिर देखेंगे अधिकार तुम्हारा तो तुमको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसी पद्धति थी पुरानी। हमारे महाराज जी कहते थे, नहीं, क्यों बेचारों को वंचित करो, सबको। बस ये है, पक्का जरूर कर लो कि तुम मंत्र का जप करो, और नहीं करता है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। गुरु आज्ञा का निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए निर्दिष्ट संख्या में मंत्र का नित्य जप करने वाला, उससे कोई भूल चूक हो भी जाएगी तो गुरु गोविंद की कृपा से उसके कारण संसार के चक्र में पड़ना नहीं पड़ेगा, अवश्य कल्याण हो जाएगा। किंतु गुरु जी ने बताया कुछ और चेला जी कर रहे हैं कुछ, तो उसके लिए क्या है? एक डाल द्वे पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। एक डाल, ये शरीर रूपी डाली पर दो पंछी बैठे, ये जगत रूपी वृक्ष की डाली पर एक दो पंछी बैठे, कौन कौन? एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला, गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला रे, उड़ जाएगा हंस अकेला। इसलिए मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरुजन जो बता दें फिर उसमें कमी ना हो, बढ़े वो बढ़े घटे नहीं, भजन बढ़ना चाहिए घटना नहीं चाहिए। तो महाराज जी श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।